बिना एक कीड़े को फ्रीजर में बंद किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो यार मैंने देखी थोड़ी देर पहले मिली, मैं उसका रिव्यू लेके आ गया हूँ। इस हफ्ते वैसे चार फिल्में रिलीज हुई हैं जो कि मैंने देखनी है, जिसमें एक अनोला होम्स थी, एक फोन बूथ थी, एक मिली थी और एक क्रॉस ट्रिपल एक्स डबल एक्सएल। ये चार मूवीज रिलीज हुई हैं जिन पे मेरी नजर थी कि मैंने ये देखनी है, जिसमें से तीन मैंने निपटा ली है। इसके बाद सबसे वर्स्ट वाली, जो मुझे लग रहा था कि सबसे नीचे वाली मूवी है, वो देखेंगे, यानी कि डबल एक्सएल। लेकिन अभी उस पर बात नहीं करेंगे, अभी आते हैं मिली की बात करते हैं। तो यार पहले इसकी स्टोरी के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मिली कहानी है ऑब्वियसली मिली की, मिली नोड्रियाल, जो कि अपने अब्बू के साथ रहती है जिनका नाम है मिस्टर नोड्रियाल, और उनका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है समीर, और उसके पड़ोस में मोहन चाचू रहते हैं और उनकी फैमिली है, और उनकी फैमिली के साथ भी अच्छा इक्वेशन है। तो ये कास्ट। अब मूवी की स्टोरी क्या है? यार मूवी की स्टोरी ये है कि मिली की मामा की बचपन में डेथ हो चुकी है। मिली एक ट्रेंड नर्स है और मिली एक फास्ट फूड जॉइंट में भी काम करती है, एक मॉल में, और जाना चाहती है कनाडा, क्योंकि इंडिया में, बल्कि हर जगह यार देसी कंट्रीज में नर्सों की कोई इज्जत नहीं है और उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती है जी। तो अच्छी पे के लिए वो जाना चाहती है कनाडा, और उनके जो बॉयफ्रेंड है वो जॉबलेस है, और इस वजह से वो अपने अबू से अपने बॉयफ्रेंड को मिलाती नहीं है। लेकिन मूवी के दौरान ही उनको जॉब मिल जाती है, फिर वो अपने अबू से मिलवाना होता है, लेकिन कुछ सिनेरियो ऐसा हो जाता है कि उस सिनेरियो के दौरान वो गलती से एक फ्रीजर में बंद हो जाती है। अब वो फ्रीजर में कैसे बंद हुई और कैसे निकलेंगी, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी, मैं स्पॉइल नहीं करने वाला हूँ। ये है मूवी की स्टोरी, जो कि ट्रेलर में भी हमने बताई, क्योंकि ट्रेलर का रिव्यू किया हुआ मूवी चैनल पे मिल जाएगा। ये जो मूवी है ये रीमेक है एक हेलन नामी मूवी का, और जिस बंदे ने वो मूवी डायरेक्ट की थी उसी ने ये मूवी डायरेक्ट की थी। तो इन दोनों मूवीज के बीच में एक और रीमेक आ चुका हुआ है। पर्सनली मुझे रीमेक मूवीज से मसला नहीं होता है। जो लोग बोलते हैं ना कि रीमेक नहीं है ये वो, देखो बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, आज से दो साल पहले का जो काम है, जब मैं वो देखता हूं ना तो मुझे वो इमैच्योर फील होता है। मेरा दिल करता है यार काश मैं इसको रीडू कर सकूं। और समटाइम करेक्टर्स या एक्टर्स या क्रिएटर्स अपने कंटेंट को रीमेक करते हैं। मैंने भी अपनी शॉर्ट्स या रील्स को रीमेक किया है दोबारा से, क्योंकि मुझे फील होता है कि यार उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, मेरे पास गैजेट्स इतने अच्छे नहीं थे, तो मैं रीमेक करता हूँ। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि अगर कोई कंटेंट क्रिएटर या कोई राइटर या कोई एक्टर या कोई मूवी हाउस किसी चीज को रीमेक करते हैं, अनटिल अनलेस वो चीज को क्रिएटिव रखे और एंटरटेनिंग रखे। अब शाहरुख खान की डॉन वो रीमेक है अमिताभ बच्चन की डॉन का, लेकिन मुझे दोनों अच्छी लगती है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अगर रीमेक है तो मुझे अच्छी नहीं लगेगी। मुझे टोबी मैग्वायर वाली स्पाइडरमैन भी अच्छी लगती है, मुझे एंड्रू गारफील्ड वाली स्पाइडरमैन भी अच्छी, मुझे टॉम हॉलैंड वाली स्पाइडरमैन भी अच्छी लगती है। समझ रहे हो उस चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ? रीमेक्स का इशू नहीं होता, इशू होता है चीज अच्छी होने का या बुरी होने का, और मुझे ये मूवी अच्छी लगी है। यार फर्स्ट ऑफ ऑल इस मूवी के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाने नहीं डाले गए वो चीज मुझे अच्छी लगी है। गानों को एज अ बैकग्राउंड स्कोर यूज किया गया, जो कि बेस्ट चीज होती है। अगर गाने मूवी में डालने उसको एज अ बैकग्राउंड स्कोर यूज किया जाए तो बेहतरीन है। शुरू में एक गाना आता है जिसमें वो मिली और समीर के रिलेशन के बारे में दिखाया जाता है, फिर बीच में एक सर्वाइवल गाना आता है, और फिर एंडिंग में एक गाना आता है, और तीन चार गाने हैं बैकग्राउंड स्कोर में और वो अच्छे हैं। बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट था, गाने मुझे अच्छे लगे, बैकग्राउंड स्कोर के तौर पे जब गाने यूज हो रहे थे तब डिसेंट थे। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है वो है जानवी कपूर की एक्टिंग। पापा सिगरेट पी रहे आप अंदर? नहीं तो मिटा दिया सबूत। सबूत कौन सा सबूत? पीठ में मुक्का मारेंगे झूठ बोला तो। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने जानवी कपूर को एज एक्टर देखा है। इससे पहले मैंने जानवी कपूर की सिर्फ एक मूवी देखी हुई है जिसका नाम है रूही, और वो भी मैंने बस ऐसी आंखें बंद करके देख ली थी राजकुमार राव के चक्कर में। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मुझे जानवी कपूर के अंदर वो फायर दिखी, वो एक्स एक्टर दिखा है कि उनके अंदर एक चीज है, और उन्होंने इस मूवी में उठा ली एक्टिंग वाली गेम अपनी। स्टार्टिंग के 50 मिनट तक जब वो फ्रीजर में बंद नहीं हुई थी, हाँ जी ये स्पॉइलर हो सकता है कि वो 50 मिनट तक फ्रीजर में बंद नहीं होती है, उससे 50 मिनट तक जो सीन था ना, जो उनकी लाइफ स्टोरी थी, वो बड़ी एक अच्छी लगती थी। स्टार किड्स भी अच्छी डायलॉग डिलीवरी कर सकते हैं, हालांकि जानवी कपूर की आवाज थोड़ी सी भारी है, लेकिन वो सूट करती है। जो उनके अब्बू के साथ उनका रिलेशन था वो ग्रिपिंग था, फिर उनका उनके बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन, वो सारा जो सिनेरियो था इतना ग्रिप कर लिया था कि जब वो फ्रीजर में बंद होने लगी थी ना, मैं चीख रहा था कि यार नहीं रुक जाओ नहीं करो ये नहीं करो वो नहीं करो, मैं चीखे मार रहा था अंदर के ये चीजें नहीं होनी चाहिए और उसको फ्रिज में नहीं बंद होना चाहिए। लेकिन स्टोरी कैसे आगे चलेगी, तो फ्रिज में वो बंद हो जाती है। फिर उसके बाद सारा सिनेरियो है कि कैसे उसको निकाला जाता है, ऐसे पुलिस वाले उस स्टोरी के अंदर आते हैं। अब एक पुलिस वाले पे बहुत शदीद टप चढ़ती है मुझे, लेकिन फिर जो अच्छा पुलिस वाला आता है मुझे उस पर बड़ा प्राउड भी फील होता है कि अच्छे पुलिस वाले भी हैं। फिर बीच में एक कैमियो होता है, और बिडू मतलब भाईजान क्या कैमियो था वो, और उस कैमियो ने वो काफी हद तक हेल्प करता है, एक दो मिनट का कैमियो होगा, लेकिन वो कैमियो हेल्प करता है मिनी को ढूंढने में, और कैमियो जिसकी हेल्प करता है वो करेक्टर अच्छे लग रहे थे। सपोर्टिंग कास्ट ने बहुत जबरदस्त
काम किया है उनको भी रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। मोहन चाचू हो गए हैं, मिस्टर नेवडियाल हो गए हैं, इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। समीर के साथ इंटरेक्शन था वो भी मजे का था। फिर इंस्पेक्टर रवि जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से अपने करेक्टर को अदा करते हैं। सुधीर साहब जो के मैनेजर है उस फूड जॉइंट के, उन्होंने भी अपने रोल को बड़े अच्छे तरीके से अदा किया, हालांकि कल सुन के उनको बुरा लग जाता है, वो आपको मूवी देख के पता चलेगा, लेकिन उनका कल वाला मसला हल नहीं हुआ यार। उनके करेक्टर को स्पिन ऑफ चाहिए, क्या उनकी स्टोरी भी आगे दिखाओ यार, उनके घर का मसला है क्या। फ्रीजर के अंदर एक चूहा मिल जाता है जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करती है, और फ्रीजर के अंदर का जो टाइम था ना भाई, वो ऐसा था कि रियलिस्टिक था। फील हो रहा था कि यार शी इज इन पेन, एक्टिंग की वजह से भी जिस पूरे तरीके से उस सीन को डायरेक्ट किया गया है, चीजों के साथ उनकी स्किन चिपक रही थी, ठंड के मारे उनका बुरा हाल हो रहा था। एट द एंड आपको देखना पड़ेगा कि क्या होता है, एंड आई मस्ट से कि डेथ्स तो है मूवी में, तो दिल दुखता है जब डेथ होती है। तो ओवरऑल मूवी मुझे अच्छी लगी है और मैं इस मूवी को दे सकता हूँ 3.5 स्टार एंड 1 गिली चू। इस मूवी में सनी जो प्ले कर रहे हैं समीर का रोल, इनकी मैंने लास्ट मूवी देखी थी जिसमें ये प्लेन से गिर के मर जाते हैं, तो मतलब इस बंदे की किस्मत में ऐसा ही है। लेकिन ये एक अच्छी सर्वाइवल सस्पेंस मूवी है। सर्वाइवल मूवीज वही होती है जिसमें आप ना इंटू हो जाओ कि आपको भी लगे कि यार आप भी वही इस टाइप की सिनेरियो में अगर फंसो तो क्या होगा। ये मूवी आपको अपनी आगोश में ले लेती है, और इस मूवी को देखने के बाद मुझे फील हुआ कि जानवी कपूर में पोटेंशियल है। पूरी कास्ट ने बहुत जबरदस्त काम किया है और मूवी का समा बांध के रखा है, और कास्ट वैसे ही ये इतनी हाई रैंकिंग में है। बाय द वे इस हफ्ते की रैंकिंग के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो सबसे ऊपर मेरे लिए अभी तक अनोला होम्स है, उसके बाद मेरे लिए फोन बूथ और मिली दोनों टाई पे हैं, क्योंकि फोन बूथ एक कॉमेडी जॉनर है, ये एक सीरियस जॉनर है, तो दोनों समझ लो टाई पे है मेरे लिए। तो टॉप पे है अनोला होम्स, सेकंड पे मिली और फोन बूथ दोनों एक साथ है। अब मुझे लग रहा है कि जो तीसरी फिल्म है वो तीसरी पोजीशन पे आएगी, तो मैं वो देखता हूं जाके। सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ, दिस इज माय रिव्यू ऑन मिली। अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, नबीलवर्स को सब्सक्राइब कर लें। यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया नबीलवर्स को तो क्या वेट कर रहे हैं आप, नबीलवर्स को सब्सक्राइब करके मेंबर बन जाए यार। और इसी तरह के और रिव्यूज के लिए भी रिंग द बेल फॉर नोटिफिकेशन। अब मुझे वो मूवी देखने जाना है जिसके लिए मुझे अपने अंदर हिम्मत बनानी पड़ी, डबल एक्सल। तो यार एंजॉय करो, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।